फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज डेट है 24 फरवरी 2022 थर्सडे की शाम में डीट प्लस बी के द्वारा जो भी लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है, वही आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स की डीट प्लस बी की ऑफिशियल वेबसाइट को इस समय पर हम विजिट कर रहे हैं, तो आइए एक एक करके इनको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट अपडेट है 24 फरवरी 2022, रिजल्ट नोटिस नंबर है 114 और ये फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया गया है। 14/20 पोस्ट कोड है ड्राफ्ट्समैन की, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो पोस्ट थी जिसमें कि दोनों ही जनरल की पोस्ट थी, ठीक है। और ये फाइनल रिजल्ट यहाँ अनाउंस किया गया है और जनरल कैटेगरी से एक ही कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। और कट ऑफ क्या कुछ रही है फ्रेंड्स, वो भी आप देखिएगा। यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 111.00 रही है। और फ्रेंड्स, वेटिंग पैनल लिस्ट में यहाँ पर रिजर्व पैनल ये 1 ईयर के लिए रख दिया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 2 पोस्ट खाली थी लेकिन एक ही कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई कर पाया है, तो इसलिए यहाँ पर जो वेटिंग पैनल लिस्ट है वो रिजर्व पैनल में चली गई है और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक की होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और आइए नेक्स्ट नोटिस को हम देख लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट अपडेट है, ये है रिजेक्शन नोटिस नंबर 115, हिंदी ट्रांसलेटर कम असिस्टेंट, पोस्ट कोड है 15/20 इन DTC। तो फ्रेंड्स, क्योंकि रिजेक्शन नोटिस है तो यहाँ पर कैंडिडेटर को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये रोल नंबर आपका यहाँ बता दिया गया है, Tier 1 का रोल नंबर है, आप देख सकते हैं। और रिमार्क्स में वो वजह दे दी गई है जिसकी वजह से आपका कैंडिडेटर यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है, कैंसिल किया गया है, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट ने e-dossier ही अपलोड नहीं किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और आइए नेक्स्ट नोटिस को अब हम देख लेते हैं। अभी की लेटेस्ट अपडेट है ये भी और रिजल्ट नोटिस नंबर है 116, ये फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया गया है। पोस्ट कोड है 15/20, हिंदी ट्रांसलेटर कम असिस्टेंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 पोस्ट थी ये भी जो कि जनरल की ही दोनों वैकेंसीज थी, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी से ये 2 कैंडिडेट है जिनका की सिलेक्शन हुआ है। और फ्रेंड्स, आपको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, क्योंकि बड़ी ही खुशी की खबर है। काफी हार्ड वर्क के बाद ये अपॉर्चुनिटी एक कैंडिडेट की लाइफ में आती है। और ये कट ऑफ देख लीजिएगा इसकी क्या कुछ रही है, जनरल कैटेगरी की ही वैकेंसीज थी तो यहाँ पर 104.75 ये कट ऑफ रही है। और वेटिंग पैनल लिस्ट भी फ्रेंड्स यहाँ बनाया गया है, वेटिंग पैनल लिस्ट में जनरल कैटेगरी से एक ही कैंडिडेट है जिनका की सिलेक्शन किया गया है। रोल नंबर आप लोग ये देख सकते हैं, वेटिंग पैनल लिस्ट में इनको रखा गया है। और वेटिंग पैनल लिस्ट की जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, वो जनरल की 95.00 रखी गई है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो वेटिंग पैनल लिस्ट होता है ये 1 ईयर तक वैलिड होता है, ठीक है। एक बड़ी ही खुशी की खबर थी, क्योंकि कैंडिडेट को अपने रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है और जो फाइनल रिजल्ट आने वाला होता है तब तो आप पूछिए ही मत, एक एक दिन बड़ी मुश्किल से एक कैंडिडेट का निकलता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का ये फाइनल रिजल्ट आज अनाउंस कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, डोजियर के रिगार्डिंग बाकी की जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो DOE डिपार्टमेंट को अब सौंप दी जाएगी, ठीक है। तो उसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी चैनल पर वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चाहे डीट प्लस भी है, KVS या NVS, ऑल ओवर इंडिया से टीचिंग जॉब के रिगार्डिंग या एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है सबसे पहले हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। और फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि कई बार ये जो डीट प्लस बी की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप लोग किसी भी नोटिस को नहीं देख पाते हैं क्योंकि सर्वर अक्सर डाउन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, डीट प्लस बी के द्वारा जो भी नोटिस जारी किया जाता है, जो भी अनाउंसमेंट की जाती है, उसके PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाता है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। आज और अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।